back to our channel. This is Mrs. Mal again with you all and I hope you all are doing well. तो आज है आपा की मेहंदी और अभी हम लोग सोकर उठे हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होंगे और फिर हम लोग होंगे तैयार मेहंदी के लिए। और घर वालों की तैयारियां चल रही हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ घर वालों की क्या तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे सारा स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर सब कुछ इन्होंने फैलाया हुआ है। और मुजम्मिल, आप हेयर ड्रायर कर रहे हो? और ये बिया तैयार हो रही है। बिया ये हेयर बैंड पहनेगी जो आप जनवा ले गई हैं। और वहाँ पे अम्मी करा रही हैं अपने बाल स्ट्रेट। और यहाँ पे आपा नमाज़ पढ़ रही है क्योंकि आपा का ऑफिशियली फर्स्ट इवेंट है ये, जिसमें निकाह भी होगा और मेहंदी भी होगी। तो आपा दुआ वगैरह कर रही है अपने अच्छे नसीबों के लिए। मुजम्मिल बैठे हुए सुकून से, आप भी जान अभी मेकअप कर रही है, वहाँ अभी तैयार हो रही है। और यहाँ पे हमारे सारे कपड़े लटके हुए हैं, ये अम्मी का, मेरा और आपा का, और माम का भी इसी में बीच में, क्योंकि ये दो हैं, हम दोनों के बिल्कुल सेम हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े रखे हुए हैं, दुपट्टे वगैरह रखे हुए हैं, और ये सारा सामान है जो कि हमें मेहंदी के लिए लेके जाना है। इसके अंदर डांडियाँ हैं, ये प्लेट्स हैं, ये सब कुछ हैं, ये सब अभी हम लेके जाएंगे मेहंदी के लिए। और ये एक्स्ट्रा सामान है ताकि अगर रात में अगर ठंड हो जाती है तो फिर उस टाइम के लिए। और ये है हमारा ढोल। तो तैयारियाँ हो गई हैं सारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कम्प्लीट, बस रह गए हम खुद तैयार होना। तो चलते हैं और हम हो जाते हैं तैयार। अभी तो कपड़े नहीं पहनेंगे, अभी असर का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर बाद पहनेंगे, फिलहाल मेकअप वगैरह करते हैं चल के। A few moments later. तो अभी बाबा ले आए हैं फूल। और ये क्या है? ये गजरे वगैरह हैं। ऊपर से एक लड़ी निकाल ली है हमने इसके बालों में। हाँ, और इसमें आपा की एक वो जो बालों में गोल घूमने वाली लड़ी है। और ये और डांडियाँ आ गई हमारी, एक दो तीन नहीं छः हैं। हाँ, ये छः डांडियाँ, ये वो है ना, ऐसी 60 लड़ियाँ हैं जो वहाँ फूल जो है उनको बरसाने के लिए गुलाब के फूल तो ज़्यादा नहीं ले लेंगे, गुलाब की पत्तियाँ। ये तुम लोगों के बड़े वाले? हाँ। ये सारे फ्लावर्स रखने जा रहे हैं हम फ्रिज में ताकि ये फ्रेश रहे। अम्मी, इतना सारा मेकअप का सामान है और लगाना किसी को कुछ नहीं आता। और वो भी अपने खेल में लगी हुई है। तो अब जल्दी से मैं भी अपना मेकअप कर लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। आपा भी यहाँ पे अपना मेकअप कर रही है, तो फिर मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। 2000 years later. So we are ready to go. और हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। बहुत शोर हो रहा है, ये हमारी दुल्हन जा रही है, सब मेहमानी है और हम लोग बस निकल रहे हैं। बहुत शोर हो रही है, तैयार हो गई। आई हियर आई एम शिवाजी, से मिलते हैं आपसे हॉल जाकर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हॉल, और ये है हमारी ब्राइड माहम और अम्मी, और ये है हमारा हॉल। तो जल्दी से ऊपर चलते हैं बिकॉज़ नीचे खड़ा होना ज़्यादा सही नहीं होता हॉल के रेडी वगैरह होने के बाद। फिर आपको ऊपर जाके हॉल वगैरह सब कुछ दिखाएंगे और हमारे मेहमान आए हैं या नहीं ये भी देखते हैं ऊपर जाके। तो अब हम पहुँच चुके हैं हॉल और मैं आपको दिखाती हूँ हॉल की सेट। तो यहाँ पे हमें मेहंदी का सामान निकाल रही हैं, जैसे फूल हैं, पेन है, डांडियाँ हैं और ट्रे वगैरह सब कुछ, ताकि जब टाइम आए तो हमें मिल जाए। ये मेहंदी और उपटन, ये उपटन है, उपटन में बनाई है, ये वो है, ये गुलाब है। और यहाँ मेहंदी बनाई नहीं अभी आपने? क्या? और अब हम लोगों ने पूरी अपनी टेबल सजा दी है, फूल वगैरह हर चीज़ बाहर निकाली है ताकि टाइम पे सब कुछ हो जाए। और यहाँ पे माहम और ये सारी कज़न्स मिलके प्लेट्स बना रही हैं फ्लावर्स की, ताकि जब वो लोग आए एंट्री के टाइम पे तो हमें भागना ना पड़े प्लेट्स बनाने के लिए। हमारे पास प्लेट्स बनी हुई हों और रेडी हों बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। और हमारा हॉल बहुत अच्छा लग रहा है, ये एंट्रेंस बनवाई है बलून से और ये जो ऊपर लगी हुई हैं इतनी अच्छी अच्छी डिस्को टाइप लुक दे रही हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। और जो हमारा स्टेज है वो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे कैमरामैन की भी हमारी पूरी टीम आ चुकी है, बस तो फिर आपा का शूट होना लग गया है और यहाँ पर अम्मी बाबा का भी शूट हो रहा है। बाबा घूमते ना, क्या अम्मी को घुमाना था? Oh, my God.
तो अब जा रहे हैं हम लोग एंट्री के लिए। तो यहाँ पर अदील भाई की फैमिली आ चुकी है, तो बस हम लोग यहाँ पे प्लेट्स वगैरह लेके खड़े हो रहे हैं, फ्लावर्स वगैरह, ताकि उनका वेलकम अच्छे से किया जा सके। तो अंदर एंटर होने से पहले ये लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, बिकॉज फोटोग्राफर ने बोला कि आप लोग पहले सीधे खड़े हो जाएं ताकि मैं आप लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर लूँ। मेमरीज होती हैं तो मेमरीज कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो अब दूल्हा वाले जैसे कि आ चुके हैं, तो चलते हैं आपा के पास और निकाह वगैरह की रस्म शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे बड़े आ चुके हैं, नाना अब्बू नहीं आए बिकॉज उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो वो बाहर ही बैठे हुए हैं, वो अंदर नहीं आए, चिड़चिड़े हो रहे थे वो। बाकी सारे हमारे बड़े आ चुके हैं और यहाँ पर निकाह आपा का हो चुका है शुरू। बाबा को जगह नहीं मिली इसलिए बाबा नीचे ही बैठ गए और अम्मी साइड पर खड़ी हुई हैं। जो के इंदर तलब है, तो आपने क्या कबूल किया? आपने कबूल किया? तो तीन दफ़ा कबूले 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 बोलने के बाद यहाँ पे आपा कर रही है सिग्नेचर और बस अब आपा हो चुकी है मिसेस अदील। तो अब यहाँ पे आपा का निकाह हो चुका है फाइनली डन और अब यहाँ पे बाबा उसको दुआएं दे रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोते नहीं हैं बिकॉज अगर रोएंगे तो फिर वो भी रोने लग जाएगी और फिर वो भूत लगने लगेगी अपनी शादी वाले दिन ही। और यहाँ पे सब एक एक करके उसको दुआएं दे रहे हैं। हेलो जी, आप कहाँ पे? तो यहाँ पे सब मिलना जुलना कर रहे हैं, आपा को दुआएं दे रहे हैं। तो चलते हैं फिर अदील भाई के पास भी चलते हैं। निकाह तो दोनों साइड से होता है, पहले लड़की से कबूले करवाते हैं उसके बाद लड़के से। तो चलते हैं अदील भाई के पास। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी का निकाह होते हुए देखा था, मुझे लगता था सिर्फ कबूले 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 तीन दफ़ा बोलते होंगे और निकाह हो जाता होगा दो मिनट में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने पहले दुआएँ पढ़ी खड़े होके, फिर बैठ के अदील भाई से दुआएँ पढ़वाई और उसके बाद कबूले करवाया और फिर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हुए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, अराउंड हाफ एन आवर तो लगा ही होगा। तो ये सब मेरे लिए बहुत नया था, तो मुझे मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। अदील तीन बार सी बल इम्तियाज तीन बार सी आपके दो वालिद मुसलमान हैं। आपका निकाह सैयदा महक अजमल बिनते अजमल अली के साथ बहफ्ते महर 50,000 रुपये पाकिस्तानी सिक्के रायतुल्वक्त जिसकी कैफियत इनका तलब है, तमाम गवाहान की मौजूदगी में, तमाम मुसलमानों की मौजूदगी में सैयदा महक अजमल बिनत अजमल अलवी का निकाह आपके साथ कंप्लीट किया गया। आपकी मौसम पे माशाल्लाह से आपा का निकाह हो चुका है कंप्लीट और सब लोग कर रहे हैं दुआ और इसके बाद सब एक दूसरे से गले वगैरह मिलेंगे और बस अल्लाह ताला आपा को खुश रखे हमेशा।
और यहाँ पे बाबा हो चुके हैं सेंटी। अदिल भाई को हक करते ही बाबा रोने लग गए, रोएंगे ही, ऑब्वियसली फादर हैं वो, उनकी बेटी है। तो अभी ये सब तो चलता ही रहेगा, हम चलते हैं अपनी मेहंदी की तकरीबात की तरफ और अपनी फोटो सेशन की तरफ और डांस वगैरह ये सब इन्जॉयमेंट की तरफ। पहले तो आपा की एंट्री भी करानी है, अभी तक एंट्री भी नहीं हुई है, आप अभी तक रूम में ही बैठी हुई है। तो रोने धोने के बाद बैक टू मस्ती मजाक, मेहंदी का जो माहौल होता है उसमें वापस आ चुके हैं। हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है, सिर्फ कजन्स का, अभी फैमिली का नहीं हो रहा। और ये जो फूल बचे हुए थे हमने जो बचा लिए थे वो आपा की एंट्री के लिए। तो आपा और अदिल भाई की एंट्री होने के बाद यहाँ पे शुरू हो चुके हैं डांस वगैरह। सबसे पहले स्टार्ट हुआ है बच्चों से, बच्चे भी डांस कर रहे हैं और उनको यहाँ पे मीरब खड़ी हुई सिखा रही है और वहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं। मुझे मीरब का ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं मीरब की वीडियो बना रही थी। और फिर यहाँ पे वन बाय वन सभी डांस करेंगे, बड़े छोटे सब। हमारे घर से ज़्यादा लोग डांस नहीं करते हैं तो हमारे बड़े नहीं करेंगे, हमारे सिर्फ बच्चे करेंगे, लेकिन जो अदिल भाई के घर में उनके सारे बड़े छोटे सब डांस करेंगे और बहुत फन होने वाला है। Thank you.
यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लिया डांस और ये मस्ती मजाक में ही। तो आप चलते हैं और जो ब्राइड और ग्रूम हैं उनकी शूट करवाते हैं और फिर रस्में वगैरह करते हैं ताकि वो लाइट्स वगैरह ऑफ होने लग गई हैं। हम लोगों ने जो डांस किया वो भी ज़्यादातर लाइट्स ऑफ में ही कर लिया क्योंकि हम लोगों को इतना ज़्यादा डांस आ रहा था और टाइम था नहीं इतना। और बहुत सारा नाचने गाने के बाद लगने लगी है भूख तो सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे अपनी पेट पूजा। बिल्कुल लास्ट में हम लोगों को याद आया कि हमने ग्रुपिंग भी करवानी है, रस्में भी करनी है। तो खाना वगैरह हर चीज़ होने के बाद फिर यहाँ पे हो रही है रस्में, ग्रुपिंग हो रही है वन बाय वन, पहले ददियाल की, ननियाल की, इस तरह सबकी हो रही है। और उसके बाद बिल्कुल एंड में अम्मी और हम लोग बैठेंगे ताकि पहले सबको बिठा दें, कोई नाराज़ वगैरह ना हो इस वजह से। और यहाँ पर सब एक एक करके बैठ रहे हैं और रस्में वगैरह कर रहे हैं। और रस्में वगैरह होने के बाद सबसे एंड और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उंगली पकड़ाई की रस्म होती है, तो बस हम यहाँ पे उंगली पकड़ के बैठ गए हैं और अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें हो रही हैं कि कितने पैसे देने हैं और कितने नहीं दे रहे हैं। पैंतालीस में डन कर लेते आप अब तुम्हारी नहीं रही। अजीत भाई अब तो लुट गए, अब कुछ नहीं था, अब लुट गए। तो अब हम आ चुके हैं घर वापस, लेकिन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं और गला मेरा बिल्कुल ख़राब हो रहा है, जैसे मेरी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
और जो आपके गिफ्ट वगैरह आए हैं, टोकरा आया है, एक उसके अंदर क्या सामान है और क्या सब कुछ किसने क्या दिया है, ये सारे गिफ्ट ओपनिंग आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि इस व्लॉग की ड्यूरेशन वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।